अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ कलेटनबर्ग में पहुँच गया हूँ, कासलटन रिजॉर्ट में। तो आज मैं आपको पूरा टूर कराता हूँ अपना रिजॉर्ट का, यहाँ पे किस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और अकोमोडेशन कैसी है। क्योंकि इस दफ़ा जो हमने बुक कराया अपना अकोमोडेशन, बहुत ही लग्जरी प्राइवेट अपार्टमेंट है 3 बेडरूम का, और जिसमें हम 2-3 दिन गुजारने वाले हैं। बहुत ही अच्छा, आपको मज़ा आएगा। तो चलें आपको अंदर लेके चलते हैं, ये दिखाने के सारे अकोमोडेशन के टूर करवाता हूँ। तो कम लेट्स गो। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की अकोमोडेशन आपको मिल सकती है, एक कमरे एक बेडरूम की, 2 बेडरूम की, 3 बेडरूम की, हर तरह की अकोमोडेशन यहाँ पे मिल सकती है और रीज़नेबल है। क्योंकि मगर हम लोग क्योंकि हॉलीडे क्लब से मेंबरशिप है हमारे पास, तो हम उसके ज़रिए आते हैं, हम मंथली पेमेंट करते हैं उसको, तो हमारे कोई अकोमोडेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत रीज़नेबल। अदरवाइज़ ये बहुत महंगे, बहुत एक्सपेंसिव किस्म के होते हैं। तो इसका फ़ायदा है, मेंबरशिप लेने का ये फ़ायदा है, इसीलिए हम इजीली अपना बुक करा के आ जाते हैं और घूमते हैं फिरते हैं। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। सो फॉर माई साउथ अफ्रीकन व्यूवर्स, दिस इज़ अ कासलटन रिजोर्ट वेयर आई एम गोइंग टू एक्सपेंड नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड VIP अकोमोडेशन। बट बिकॉज वी बिलोंग टू हॉलीडे क्लब मेम्बर्स, सो वी हैव अपॉर्चुनिटी टू स्टे हेयर फॉर अ फ्यू डेज वैन वी वॉन्टेड, बिकॉज वी पेइंग एवरी मंथ फीस फॉर दैट थिंग। अदरवाइज वेरी एक्सपेंसिव अकोमोडेशन, ऑल द साउथ अफ्रीकन नो अबाउट दैट। सो लेट्स गो, आई विल शो यू ऑल द अकोमोडेशन टूर, बिकॉज दिस टाइम वॉट वी बुक अपार्टमेंट इज़ वेरी लग्जरी एंड ए कॉल्ड इज प्राइवेट रेजिडेंसी। सो लेट्स गो इन एंड सी द अकोमोडेशन। तो ये मैंने आपको अंदर से सारा अपना अपार्टमेंट दिखाया, तो आगे जो आप आवाज़ सुनेंगे वो मेरे साथी की आवाज़ है, क्योंकि उसने मेरे लिए क्लिप तैयार किया है वॉकिंग टूर करके पूरे रिजोर्ट में। क्योंकि मैं चलने का सोच तो मैं नहीं चलता इतना, इसलिए मैंने अपने साथी से रिक्वेस्ट करी कि मेरे लिए बनाए। सो द नेक्स्ट वॉइस यू गोइंग टू हेयर इट्स माई फ्रेंड वॉइस, बिकॉज ही गोइंग टू डू ऑल दिस वॉकिंग टूर इन दिस रिजोर्ट, बिकॉज आई एम वेरी लेजी टू वॉक, आई कॉन्ट वॉक दैट सो लॉन्ग, सो आई रिक्वेस्ट हिम टू मेक दिस क्लिप फॉर मी,
सो ही गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी थिंग एंड एबल वी वॉक अराउंड इन दिस रिजोर्ट बिकॉज ही विजिटेड दिस रिजोर्ट सो मेनी टाइम्स. सो लेट्स गो. अच्छा जी. ये मैं वॉक करके बिल्कुल एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ क्योंकि ये रिज़ॉर्ट जो है ये माउंटेन के ऊपर है, तो इसका जो एंड पॉइंट है वहाँ से पूरा का पूरा आपको प्लेटन पे बग नज़र आएगा. और 2016 में मेरा लास्ट विजिट था यहाँ पे, उसके बाद आज 5-6 साल बाद दोबारा मौका मिला यहाँ आने का. 2013 में मैं यहाँ 4 दफ़ा आया हूँ. बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है. उसके बाद यहाँ से फारिग होने के बाद फिर मैं आपको एक पूरा रिजॉर्ट घुमाऊँगा, इसके अंदर जितना भी इंटरटेनमेंट एरिया है. ये हम ऑलमोस्ट पहुंच गए इसके एंड पॉइंट पे. पहले मैं आपको एक साइड से दिखाता हूँ. अच्छा जी, ये अब आप देख सकते हैं. मैं जूम भी करूँगा साथ साथ इसके कि ये आप देख सकते हैं लोगों के घर हैं नीचे. ये वाला जूम करके ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है क्योंकि दूर नहीं नज़दीक ही है. ऐसे एक बात है, हमारी आंख का कंपैरिजन तो नहीं है कैमरे के साथ क्योंकि हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं जहाँ तक कैमरा नहीं देख सकता. लेकिन कैमरे के अंदर एक चीज़ अच्छी है कि आप जूम करके और ज़्यादा चीज़ें देख सकते जो अब आपकी आंख नहीं देख सकती. ये देखें ये कितना दूर है और मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ. चले अब इसका दूसरे तरफ चलते हैं जहाँ से आपको आपको पता चले नज़ारे किसको बोलते हैं, नेचुरल ब्यूटी. अभी थोड़ी देर में निकलूँगा तो चलेंगे बीच की तरफ. तो ये है यहाँ से आपको नज़र आ रहा है पूरा प्लेटनम बर्ग की एक साइड. ये मैं जूम कर रहा हूँ. चलें बीच को चेक करते हैं.
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, लेकिन इतनी क्लैरिटी से नहीं देख सकते जितना क्लैरिटी कैमरा देख लेता है। चले, ये एक पूरा साइड है इसका शहर का। ओके, एक चीज़ और भी ट्राई करते हैं। आई थिंक इट्स अ टाउन, निकलेंगे तो और वीडियोस बनाएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, ये इन्होंने बेंच दी हुई है कि लोग और शाम को दोपहर में जिस टाइम बैठ के नज़ारे लेना चाहें। आजकल तो वैसे भी थोड़ा सर्दी का सीज़न है, तो इसलिए कि जैसे कल जो है मौसम थोड़ा बीच में बारिश थी, ठंडा मौसम था, आज भी मौसम जो है उसका टेम्परेचर 15 है, लेकिन ये धूप की वजह से इतना महसूस नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं, ये भी बराबर में आई गेस रिजॉर्ट ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से वो बने हुए हैं उससे पता चलता है कि रिजॉर्ट ही हैं। अब ये जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है सामने जो पहाड़ के ऊपर है। चले, अब आपको लेके चलते हैं इसकी दूसरी तरफ, एंटरटेनमेंट एरिया, स्विमिंग पूल। मैं दूसरी साइड पे आया हूँ, मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। जिनको अपना साइकिलिंग का शौक़ है वो अपने साइकिल भी लेकर आए यहाँ पर, क्योंकि एरिया इनका बहुत बड़ा है। आप जितनी अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। चले, अब हम जो वॉक कर रहे हैं एंटरटेनमेंट एरिया की तरफ। लास्ट टाइम जो है हम लोग रुके थे 61A के अंदर। ये जो बिल्डिंग है ये हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों बुक कराए हुए थे। ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ये इनका एंटरटेनमेंट एरिया है। ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंटरटेनमेंट एरिया। ये बच्चों के लिए उन्होंने झूले वूले लगाए यहाँ पर, वहाँ टेनिस कोर्ट में ऑलमोस्ट लोग
टेनिस खेल रहे हैं। यहाँ पे पूल है, ये रिसेप्शन है, ये पूल है छोटा बच्चों के लिए, वो है बड़ा बड़ों लोगों के लिए। ये ले, ये पूल की टेबल है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता इसको हम क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी ज़बान में उर्दू में हम लोग वहाँ जाते हैं पट्टी खेलने जा रहे हैं। ये टेबल टेनिस है, ये बाथरूम भी है इधर, छोटा सा किचन भी है। ये है पूल, आप देख लें, मैं आपको वहां भी लेके चलता हूँ। देखें आप, टेनिस कोर्ट के अंदर लोग टेनिस खेल रहे ये जंपिंग के लिए है, अगर आपको जंपिंग करने का शौक है। ये एक रैबिट बैठा हुआ है काले रंग का, काले रंग से याद आया महमूद चड्डी। अच्छा जी, यहाँ पे रास्ता जाता है वो मैं देखता हूँ अभी, पब का, यहाँ पे पब और बार भी है। ये टेनिस कोर्ट है, इस सब जो है इन्होंने, वो जिनको गोल्फ खेलने का शौक है वो छोटे छोटे उन्होंने पॉइंट बनाए हुए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको रिसेप्शन पे आके अपना बताना पड़ता है कि आप किस रूम में रुके हैं, फिर वो आपको चीज़ें देते हैं। I guess this one is a pub and bar. और इसका रास्ता वो मेरे ख्याल से जो टॉयलेट की तरफ से दूसरा रास्ता निकल रहा है उधर से आएंगे, अगर आपको यहाँ पे आने का शौक है। चलें अब चलते हैं हम लोग दूसरी तरफ। जैसे ये लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, ये एक पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है, अभी चलते हैं सारे पॉइंट चेक करते हैं इसके। ये पॉइंट टू है, फिर पॉइंट थ्री,
इसी तरह इन्होंने अंदर बाहर मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने पॉइंट बनाए हुए इसके। ये इनका सारा गार्डन है, ये देखें उन्होंने बिल्कुल एक नेचुरल लुक दिया हुआ आपको एंटरटेन करने के लिए कि आप। तो दोस्तों ये था हमारा अकोमोडेशन का टूर, रिजॉर्ट का आपको दिखाया सारा घूम के मेरे साथी ने, घूम फिर के वॉक करके। मैंने अब इनको ज्वाइन किया है क्योंकि अब बस बिल्कुल एंड है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका ऑलरेडी थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया, जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फॉर माई अदर व्यूवर्स अराउंड द वर्ल्ड, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। दिस इज़ अ होल आई हैव टू शो यू फ्रॉम द कासलटन, all the accommodation tour outside and inside, all the facilities and everything. I hope you like that vlog, and if you like, please like and share this vlog with your friends and family, and don't forget to subscribe my channel. Please subscribe as much as possible to help me. So see you soon in another vlog because I am going to stay here a few days. The next vlog I will take you to the beach and other places in Plettenberg Bay. And this is Plettenberg Bay, like I told you, it's in the Western Cape, not in Eastern Cape, and it's on the garden route. So see you soon in another vlog. Until then, goodbye, assalamu alaikum.